नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सिविल एजुकेशन में। और यहाँ दोस्तों आज बिल्कुल प्रैक्टिकल जानकारी आपको देने वाला हूँ। जैसा कि जब भी आप घर बनाते हैं या फिर बनाने जाते हैं तो बहुतों को ये सारी जानकारियाँ पता नहीं होती हैं, और पांच इसमें सबसे बड़ी गलतियाँ आपको पता चलने वाली हैं कि फर्स्ट लेवल तक आप कौन कौन सी गलतियाँ करते हैं। तो देर न करते हुए दोस्तों, वीडियो जरूर पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अब यहाँ पहली गलती, आप DPC नहीं डालते हैं, मीन्स जो सील रोक रद्दा चारों तरफ की दीवार पे आपको एक पतली ढलाई एक दिख रही है, ये 40 mm का डाला जाता है दोस्तों, एक्चुअली 1.5 इंच का लगभग सारे दीवाल पे। और ये क्या करता है कि इससे बचाव आपका जब नीचे का पानी जो होता है वॉल से सीपेज होते हुए ऊपर की वॉल में जाता है, तो ये फर्श लेवल पे आपका उस पानी को रोकने के काम में आता है, या ये रोकता है कि ऊपर वाले वॉल में पानी ना जाए, जिससे आपकी कोई दीवाल खराब ना हो या फिर कभी आपकी पेंटिंग खराब ना हो जो कि ज़्यादा दिन तक चले और मजबूत हो। अब इस DPC में करने के लिए सबसे बड़ी बात आपको यह ध्यान देनी पड़ती है कि आप जब भी DPC को करें तो छोटा गिट्टी यूज करें, मींस जो आधे इंच की गिट्टी आती है उसको यूज करने के साथ इसको 40 mm के लेयर में सारे दीवार में फैलाएं। अब होता क्या है, दीवार के साथ दूसरी जब आप पाइप की ओपनिंग डालते हैं, मीन्स सीवर पाइप की, तो आपको इस तरह की ओपनिंग पहले कर देनी है, जैसा कि यहाँ पे एक खुला स्पेस दिख रहा है आपको दीवाल में छोटा सा, नहीं तो बाद में आपको तोड़फोड़ करनी पड़ती है जिससे आपको पैसा ज़्यादा लगता है। अब सेकंड बात आती है दोस्तों कि कभी कभी कॉलम ऊपर तक करके DPC करना चाहिए, मीन्स जो सील रोक रद्दा, लेकिन कभी कभी इस तरह की सिचुएशन आती है कि कॉलम नीचे रहता है, सील रोक रद्दे की थिकनेस आप मेंटेन करने के लिए इस तरह का खांचा छोड़ते हैं। अब ये खांचा छोड़ने के पहले आपको ये सारी चीज़ें ध्यान देनी है कि कॉलम के पास DPC कंक्रीट ना पड़े। अब आपको सही तरीका जो है, सही तरीका इस तरह से आपको करना है कि कॉलम को पहले DPC जो सील रोक रद्दा है उसके ऊपर तक आपको पहले ढलाई कर लेनी है। ढलाई करने के बाद इस तरह से आपको सील रोक रद्दा जो पतली कंक्रीट है वो चारों तरफ दीवार में डालनी है। अब ये थिकनेस मेंटेन करने के लिए आप सबसे पहले जब आप DPC कर देते हैं, मान लीजिए कि आपने फ्लोर लेवल पर कर दी, तो इस तरह से आपको एक स्टार्टर बनाना पड़ता है जिसकी थिकनेस 40 mm लगभग रहती है। ये क्या करता है दोस्तों कि जितने भी कॉर्नर हैं कॉलम के वो सारे प्रॉपर सही रहते हैं, और आप जब फर्मा लगाते हैं तो बहुत अच्छी तरह से लगता है, और कंक्रीट का जो कवर होता है, मीन्स जो छड़ के ऊपर आपको ढलाई चाहिए, वो कम से कम किसी भी कॉलम में 40 mm से कम ना रखें। अब इसके साथ साथ आप जब भी स्टार्टर करेंगे तो स्टार्टर करने के दौरान आपको ये डायगनल भी चेक करना जरूरी है, मीन्स जो एक दूसरे के सामने के जो कोने हैं उन कोनों को अच्छी तरह से देख लेना है, और देखने के बाद आप फिर स्टार्टर करके उसको खोल देना है, उसकी सटरिंग को, और फिर कॉलम की सटरिंग लगाना है। अब बात आती है कि जब आप स्टार्टर करते हैं तो कभी कभी इस तरह की गलती होती है कि ऑफसेट छूट जाता है, मीन्स जो पहले आपकी ढलाई हुई थी कॉलम की उसमें गैप रह जाता है। अब इस गैप को फुलफिल करने के लिए आपको बाद में बहुत मोर्टार देना पड़ता है, जैसे यहाँ आप देख सकते हैं, और बराबर करने के लिए आपको बहुत पैसा लगाना पड़ता है, टाइम लगाना पड़ता है, और कॉलम भी एक लाइन में ना होने से बहुत गड़बड़ होती है। अब इस कॉलम को जैसे देख सकते हैं कि बिल्कुल जो सील रोक रद्दा आपने लगाया है उसके जस्ट बाहर की पूरी लाइन मैच कर रही है, मीन्स ये कॉलम बिल्कुल सही तरीके से लगाया गया है और सही तरीके से ढलाई की गई है। अब बात आती है कि जब आप स्टार्टर डालेंगे तो आपको ऊपर का कंक्रीट इस तरह से रफ कर देना है कि जब आप ढलाई करेंगे तो ढलाई करते समय नीचे का बॉन्ड अच्छा बनेगा, और जो बाहर का फेस है वो बिल्कुल एक लाइन में रहना चाहिए, जो कि कॉलम में इस तरह के ऑफसेट आने के बाद आपको सबसे पहले तो इसको कंक्रीट से बराबर करना चाहिए जिस कंक्रीट का आप कॉलम ग्रेड का डाल रहे हैं। अब डालने के बाद कॉलम की सटरिंग आप लगाते हैं, सटरिंग लगाने के साथ साथ आपको सबसे पहले प्लम्ब चेक करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अब बाहर की साइड से भी चेक करिए और अंदर के भी साइड से, ज़्यादातर क्या होता है मिस्त्री को पता नहीं होता, फर्मा लगाया और थोड़े बहुत कॉलम इधर उधर हो गए, कोई बात नहीं। अब जो चौथी गलती आती है कि नॉर्मल तौर पे वाइब्रेटर यूज नहीं करते, मीन्स जैसा देखिए इसमें फिनिश कितनी बढ़िया है, जब भी आप ढलाई करेंगे और प्रॉपर वाइब्रेटर चलाएंगे। अभी बहुत सारा होता क्या है, मिस्त्री लोग गलती क्या करता है कि उसमें लकड़ी खोंचता है, और लकड़ी खांचने से कंक्रीट सही कॉम्पैक्ट नहीं होती है और आपकी फिनिशिंग सही नहीं आती। अब फर्मे को प्लम्ब में साथ साथ रखने के आपको ढलाई का भी जो अरेंजमेंट है वो सपोर्टिंग बहुत नज़दीक करनी पड़ती है, और सपोर्टिंग करने के साथ साथ आपका जो प्लम्ब है वो भी आपको चेक करके प्रॉपर कंक्रीट करनी पड़ती है। अब इस कंक्रीट के लिए
जब आप कॉलम कर देते हैं तो उसके जो फर्मे हैं वो इस तरह से अपलिफ्ट किए जाते हैं और सेकंड लिफ्ट की ढलाई की जाती है। और इसी तरह से जैसे इस वीडियो में दिख रहा है आपको कि कॉलम कैसे कास्ट किया गया फर्स्ट लिफ्ट, फिर उसकी शटरिंग ऊपर को उठा दी गई है, और ऊपर उठाने के साथ साथ आप ये तीन या चार चीज़ें जब आप घर में अपने करेंगे तो आपको पहली गलती कि जो DPC डालनी है, दूसरी ओपनिंग छोड़नी है, तीसरा कॉलम, चौथा स्टार्टर, ऐसे ही आपको